वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको जी व्हाट्सएप की प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी की सभी सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा। वॉलपेपर सेटिंग, स्टेटस सेटिंग, हाइड, व्यू, लॉक, पासवर्ड, सब सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा ए टू जेड। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने फोन में जी व्हाट्सएप को ओपन कर लीजिए। अब सबसे ऊपर राइट कॉर्नर पे थ्री डॉट्स पर क्लिक कीजिए, फिर जीबी सेटिंग्स पर क्लिक कीजिए। हम फर्स्ट नंबर पर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाते हैं। अब यहाँ पर अगर आप फ्रीज लास्ट सीन को ऑन कर देते हैं तो आपका लास्ट सीन फ्रीज हो जाएगा। चाहे आप ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, आपका लास्ट सीन ही शो होगा। अब यहाँ पर प्राइवेसी में कॉन्टेक्ट, ग्रुप्स और ब्रॉडकास्ट लिखकर आ रहा है। इससे आप इनकी कस्टम प्राइवेसी को चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर आप अपनी कॉन्टेक्ट की प्राइवेसी को चेंज करना चाहते हैं तो कॉन्टेक्ट पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आप अपने सभी कॉन्टैक्ट्स के लिए हाइड ब्लू टिक्स, हाइड सेकंड टिक्स, हाइड माइक्रोफोन, हाइड टाइपिंग और हाइड रिकॉर्डिंग ऑन कर सकते हैं। अगर आप हाइड ब्लू टिक्स कर देते हैं और कोई भी कॉन्टैक्ट अगर आपको मैसेज सेंड करता है और आप उसे सीन भी कर लेंगे, लेकिन फिर भी उसके फोन में डबल ब्लू टिक्स शो नहीं होंगे। तो इस तरह से आप इन सब चीजों को हाइड कर सकते हैं कॉन्टैक्ट्स के लिए। इसी तरह से ग्रुप्स के लिए भी आप इन सब चीजों को हाइड कर सकते हैं। इसी तरह से आप ब्रॉडकास्ट के लिए भी इन सब चीजों को हाइड कर सकते हैं। हु कैन कॉल में लिखा हुआ है, इसकी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं कि जी व्हाट्सएप पर आप कौन कौन कॉल कर सकता है। एवरीवन, माय कॉन्टेक्ट, सिलेक्टेड कॉन्टेक्ट या नोबडी। तो आप जिसे भी सिलेक्ट करना चाहें उसे सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप डिसेबल फॉरवर्ड डेट को ऑन कर देते हैं तो एक मैसेज को आप कितनी भी बार फॉरवर्ड करें उसके ऊपर फॉरवर्ड डेट का टैग लग के नहीं जाएगा। एंटी डिलीटेड मैसेजेस को ऑन कर देते हैं तो इस तरह से कोई भी अगर आपको मैसेज सेंड करके डिलीट कर देता है तो आपके फोन से वो मैसेज डिलीट नहीं होगा। शो ब्लू टिक्स आफ्टर रिप्लाई को अगर आप ऑन कर देते हैं तो अगर आपको कोई मैसेज करता है और आप उसको सीन कर लेंगे, लेकिन फिर भी उसके फोन में डबल ब्लू टिक्स शो नहीं होंगे। जब आप उस मैसेज का रिप्लाई कर देंगे उसके बाद उसके फोन में डबल ब्लू टिक्स शो होंगे। अगर आप हाइड व्यू स्टेटस को ऑन कर देते हैं, जो भी आपके कॉन्टेक्ट स्टेटस आते हैं और आप उस स्टेटस को देख भी लेंगे, लेकिन फिर भी उनके फोन में आपका स्टेटस सीन शो नहीं होगा। एंटी डिलीट स्टेटस को अगर आप ऑन कर देते हैं तो अगर कोई आपकी कॉन्टेक्ट स्टेटस लगाते हैं, स्टेटस लगाकर डिलीट कर देते हैं, लेकिन फिर भी वो स्टेटस आपके जी व्हाट्सएप से नहीं जाएगा। अब अगर आप अपने जी व्हाट्सएप पर लॉक लगाना चाहें तो व्हाट्सएप लॉक को ऑन कर दीजिए। अब यहाँ पर आप थ्री टाइप्स के लॉक लगा सकते हैं, फिंगरप्रिंट, पैटर्न या पिन लॉक। फिंगरप्रिंट लॉक लगाना चाहते हैं तो फिंगरप्रिंट पर क्लिक कीजिए, अनलॉक विद फिंगरप्रिंट को ऑन कर दीजिए, अपनी फिंगरप्रिंट लगा दीजिए। अब यहाँ पर तीन ऑप्शन आ जाएंगे। इमीडिएटली पर अगर आप सेट कर देते हैं तो जी व्हाट्सएप आप जब भी ओपन करेंगे तब आपको अपने फिंगरप्रिंट से अनलॉक करना होगा। अगर आप आफ्टर 1 मिनट कर देते हैं तो जी व्हाट्सएप एक बार ओपन करने के बाद 1 मिनट तक वो दोबारा लॉक नहीं होगा, और आफ्टर 30 मिनट्स करने के से एक बार जी व्हाट्सएप ओपन करने के बाद वो 30 मिनट्स तक लॉक नहीं होगा। अगर आप पासवर्ड या पैटर्न सेट करते हैं तो यहाँ से आप उसका पैटर्न और पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। अगर आप पासवर्ड या पैटर्न भूल जाते हैं तो यहाँ पर एक रिकवरी क्वेश्चन सेट कर दीजिए। जैसे मैंने क्वेश्चन सेट कर दिया माय नेम आयुष, इस तरह से व्हाट्सएप की लॉक स्क्रीन का। वॉलपेपर भी चेंज कर सकते हैं चूज़ ए फोटो पर क्लिक करके। ये देख सकते हैं आप, हमारे जी व्हाट्सएप पर लॉक लग गया है। इस तरह से आप अपने जी व्हाट्सएप पर लॉक लगा सकते हैं। तो इसी तरह से जी व्हाट्सएप की प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी की सभी सेटिंग्स मैंने आपको इस वीडियो में बता दी हैं। इसी तरह से आप भी अपने जी व्हाट्सएप की सभी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।